ये आपका लेटर आया। इतनी हिम्मत? मैं चाहती हूं कि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। मर्द की नजर पे किस हद तक एतबार करना चाहिए, यह सवाल आप कभी अपनी मिसेस से पूछिएगा। आप कल से मेरी दोस्त को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे कहीं और ले जाती हूँ। कौन माही सरकार? तुम्हारी फ्रेंड। उसका नाम तो जारा है सरकार। बाय गॉड सरकार, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका गार्ड के साथ भी चक्कर चल सकता। एक बात याद रखिएगा सरकार, मैं बेशक अखबार से कटी हुई लड़की हूँ, लेकिन आपके अखबार ने मुझे जगह जगह तक थीम होने से बचाया। सरकार खुशबख्त, मैं नताशा। कल तक आपकी रखेल, आज से आपके लिए आईना। ना जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। बेटी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी और भतीजा जो मेरी नस्ल का आखिरी चिराग था वो भी मौत की भूख से बुझने वाला है। मेरे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे में मेरी जात, मेरी हर खुशी, मेरी हर उम्मीद। और मेरे खानदान का नामो निशान गुम होकर रह गया। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मैं तेरी आजमाइशों के और लाइक नहीं। मुझे आसानियां दे दे, मुझे मुश्किल से निकाल दे, मुझे मुश्किल से निकाल दे मेरे अल्लाह। सलाम सलाम सरकार। ये किस बात पे सबके दांत निकल रहे थे? वो बस सरकार आपस में लतीफेबाजी चल रही थी। मुझे ये लतीफेबाजी करने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो सर धड़ की बाजी लगाना जानते हैं। सरकार आपके हुक्म पर हम सर धड़ की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बस बस रहने दो, मैं जान गया हूँ तुम लोगों में कितना जिगरा है। चार पटाखों की आवाज सुन के नताशा को छोड़कर भाग आए थे तुम लोग और आज मुझे वो धमकियां दे रही है और मुझे खत लिख के कहती कि अपने एक एक जख्म का मुझसे हिसाब लेगी। उसकी यह जुरत, उसको इस गुस्ताखी का कभी मौका ही ना मिलता।
अगर डर के मारे तुम लोग उसे छोड़ कर ना आते। सरकार मैंने खोज लगा लिया है कि नताशा को बचाने वाला कौन था। कौन था? सुल्तान। सुल्तान जी। सरकार, कच्चे खू वाला हमारा जो रकबा है कभी उसके बाप का था। अच्छा, अब बाप के बाद उसका बेटा हमारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। सरकार आप हुक्म तो करें, उस सरकश का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। मैं उसका सर नहीं, उसे जिंदा अपने कदमों में देखना चाहता हूं, और आज ही। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उसका नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर दा, उसका नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर दा, उसका नाम चतारन वाला, किसे मैदान निहर। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे बाबा अल्लाह अल्लाह, बाबा माफ कर दे बाबा को, मेरे मेरे बाबा को अल्लाह, मेरे बाबा को माफ कर दे मेरे बाबा को। अच्छा नहीं है बाबा, अच्छा नहीं, गंदा गंदा बाबा मेरा। अल्लाह अल्लाह, मेरे बाबा को माफ कर दे, मेरे बाबा को, मेरे बाबा को माफ कर दे अल्लाह। डरो मत, तुम मेरी बहनों की तरह। मेरा दिल कह रहा है कि तुम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, खुशबख्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सीधी तरह बता दो, माही और सिकंदर कहां है, वरना इसी भट्टे में जलाकर तुम्हारी राख बना दूंगा। कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह बड़ा। उठो उठो, भागो भागो। सरकार, यह है वो सुल्तान जिसने नताशा को बचाया था। अच्छा, तो तुम हो? हाँ, उस लड़की को बचाने वाला भी मैं ही, और तेरे जुल्म समेत तुझे मिटाने वाला भी मैं ही होऊंगा। मैं
अच्छा हुआ एसएचओ साहब आप सही वक्त पर आ गए हो। गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को, इसने मुझ पे भी कातलाना हमला किया और मेरे आदमी को भी जख्मी किया। शाबाशे, यानी हमारे इलाके में हमारे होते हुए ही तुम लोगों पे हमला करोगे? ओए तुम्हें पता नहीं है इस गांव में सरकार खुशबख्त और एसएचओ अकबर झूठ कभी नहीं बोलते। ओए नवाज। जी अखा हजूर, जी अखा। इस जख्मी को हॉस्पिटल ले जाने। इसको ले जाओ हॉस्पिटल और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। सरकार पोस्टमार्टम तो मरने के बाद होता। बटी अब तो पोस्टमार्टम हो जाएगा ना? जी सरकार। समझ रहे मेरी बात? जी समझ गया सरकार। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम, क्या रिपोर्ट है एसएचओ? रिपोर्ट तो सारी की सारी मशकूक कर दी आपने। क्या मतलब? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान ने पहली गोली आपके बंदे को मारी है उसके साथ वो नहीं मरा, जो उसके बाद गोलियां मारी हैं उसके साथ वो एक्सपायर हो गया। तो फिर? फिर क्या सरकार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आजकल अदालतें मीन मेख बहुत निकालती, बहुत सारे एसएचओ गलत एफआईआर काटने की वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। फिक्र ना करो, हम तुम्हें मुअत्तल नहीं होने देंगे। तुमने अभी कौन सी एफआईआर काटी? कुछ भी कर सकते हो। कर तो सकता हूं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बड़े खराब हैं। और आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ, उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बार बार फरमाइशें कर रही है कि ईद बड़ी आ गई है तो बकरा लेके दो, बकरा लेके दो। आपको तो पता ही है आजकल दरमियाने से दरमियाना बकरा भी 70-80 हज़ार से कम नहीं आता और उसमें गोश्त इतना सा होता है कि 2-3 दिन में तो मैं अकेला ही खा जाऊं। अब आप ये देखें कि अगर एक बकरे के साथ मेरा पेट नहीं भरता तो रिश्तेदारों को क्या बंदा दे। कम से कम 3 बकरे हों तो गुजारा हो सकता है, यानी कि एक बकरा हमारे लिए, एक बकरा रिश्तेदारों के लिए और एक बकरा कम से कम फ्रीज करने के लिए तो होना चाहिए ना, तब कहीं जाके गुजारा होता है। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। मैं तो इस वजह से बड़ा परेशान हूं। इन चीजों की परेशानी ना लो कमरुद्दीन, जाओ मेरी दराज से चेकबुक लेकर आओ। खैर मेरा ख्याल है काम होने लगा है और तू अपना मनहूस मुंह बंद रखना। आबा बरकत मुंह से बोले। ये लो, ये 3 लाख का चेक है और इसे आज ही कैश करवा लेना और अपने लिए ईद के बकरे ले लो। 3 लाख का चेक का? हाँ, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। और अब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको तुमने सॉल्व करना। सरकार आप फिक्र ना करें, आपका काम तो मैं ऐसा पक्का करूंगा कि सुल्तान सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। अब आप मुझे इजाजत दें। इनको इजाजत दे दे और मुझे 5,000 रुपया दे दे। चुप कर जा, चल। खुशबू आ रही है, सारी जिंदगी हम में से बो आई लेकिन अब खुशबू है। साहब जी 3 लाख का चेक मिला आपको, इसमें से 50,000 रुपया आपने मुझे देना है। आपको पता मेरी तनख्वाह भी नहीं आई। शाबाशे, 50,000 मुझे देना है।
मैंने ये 3 लाख कुर्बानी के लिए लिया है, तेरी तनख्वाह पूरी करने के लिए नहीं लिया। साहब जी, रिश्वत की कमाई से कुर्बानी नहीं होती। तो बेटा, तनख्वाह के पैसों से भी कुर्बानी नहीं मिलती। और बकरी को क्या पता कि हमने उसको रिश्वत के पैसों से खरीदा है। ओ चलो, बकरे को नहीं पता ना सही, लेकिन अल्लाह की जात को तो पता है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मरना नहीं, मर जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए चौधरी चंदू, बन के मुझे डरा ना आए और इतना हाजी बनने की कोशिश ना कर। अगर बेटा मैं बंदे का पुत्र बन गया ना, तो भूखा तो तू भी मरेगा। चुप करके दड़वट जा और कम विद मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लिव लॉन्ग। आतिफ, तुम कहाँ चले गए हो? चले गए कहाँ? चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कम सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कम बारक अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी कुदरत का वास्ता है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता है। अपनी रहीमी करीमी के सदके, अपने प्यारे हजरत मोहम्मद के सदके, पांच तन माँ के सदके, मेरी पापरी की जिंदगी पाश दे या अल्लाह, मेरी पापरी की जिंदगी पाश दे। अल्लाह